आपके इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने वाले हैं या उनको इंग्लिश में स्पीक करने वाले हैं जो हम डेली सेंटेंसेस को यूज तो करते हैं, लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को हमें किसी के सामने इंग्लिश में बोलना है या उनको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो इन सेंटेंसेस को हिंदी में तो हम आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को दूसरे हमें इंग्लिश में स्पीक करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में स्पीक करने में थोड़ा सा हेजिटेशन जरूर महसूस करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अब यूज तो करते हैं, इन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होने से, हंसने से क्या बात है, ऐसे इनमें से अधिकतर सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस से कुछ सेंटेंसेस को हम देखें, जैसे इसमें रोने की क्या बात है, इसमें झगड़ने की क्या बात है, इसमें लड़ने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, या इसमें रोने की क्या बात है, या गुस्सा होने की क्या बात है। ऐसे सेंटेंसेस अगर हमें मिल रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इनको कैसे हम इंग्लिश में दूसरे के सामने बोलेंगे। तो अगर इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो इसके सबसे सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो भी सेंटेंस हमारा या इसमें होने की या हंसने की क्या बात है, ऐसा सेंटेंस अगर जो भी है, इसमें हंसने की क्या बात, इसमें रोने की क्या बात, इसमें झगड़ने की क्या बात, इसमें लड़ने की क्या बात, तो अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा व्हाट इज देयर टू से स्टार्ट होगा। कोई भी सेंटेंस जो भी शुरू होगा व्हाट इज देयर टू से स्टार्ट होगा, बाद में अदर वर्ड्स को यूज कर दिया जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम यूज करें तो व्हाट्स इज देयर टू के साथ अदर वर्ड का यूज हम लोग कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो इन सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स जो हमें करने हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी, उसमें पहला सेंटेंस हम देखते हैं। इससे पहला सेंटेंस है, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है। तो इसको अगर हमें स्पीक करना है या ट्रांसलेट करना है तो इसकी सेंटेंस स्टार्टिंग होगी व्हाट्स देयर टू लाफ, व्हाट्स देयर टू लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू एंग्री, व्हाट देयर या व्हाट इज देयर टू एंग्री। दोनों सेंटेंस सेम है, बस व्हाट्स थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गई, एब्रिविएशन फॉर्म हो गई, और बाकी वो व्हाट इज देयर फुल फॉर्म में हो गई है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, हम किसी सेंटेंस कहते हैं तो यार इसमें पूछने की क्या बात है, तो इसको अगर हमें स्पीक करना है तो व्हाट्स देयर टू आस्क, व्हाट्स देयर टू आस्क। अगर इसमें आगे सेंटेंस है, इस मामले पूछने की क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू आस्क इन दिस मैटर। ऐसे सेंटेंसेस को मैं जो भी आगे अदर वर्ड्स के साथ जो भी होगा उसको आगे वर्ड वाई वन वन करके जोड़ दिया जाएगा। इसमें लड़ने की क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू फाइट, और आगे भी सेंटेंस में कुछ भी है तो उसके फाइट के बाद आगे हम लोग एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें रोने की क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू क्राई, क्या सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, व्हाट्स देयर टू क्राई या वीप, दोनों में से किसी एक का यूज करा जाएगा। अब जैसे कहा जाए, इसमें चिंता करने की क्या बात है, जैसे कोई मैटर हो गया, कोई मामला हो गया, तो इसमें चिंता करने क्या बात होगा, होगा तो इसमें कहते हैं इसमें चिंता करने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू वरी, वरी मीन्स होता है चिंता, तो व्हाट्स देयर टू वरी। ऐसे अगले सेंटेंस है, इसमें पढ़ने की क्या बात है, इसमें पढ़ने की क्या बात है, इजी पास हो जाएंगे, ऐसे पढ़ने की क्या बात है ना, जैसे क्या देखना है, क्या पढ़ना है, अच्छी बात जैसे सेंटेंस है, तो कहा जाए इसमें पढ़ने की क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू वरी या व्हाट इज देयर टू रीड, वरी नहीं होगा ऑलरेडी, यहाँ पर पढ़ने की बात है, तो व्हाट्स देयर या व्हाट इज देयर टू रीड, इसमें पढ़ने की क्या बात है। अब दो सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में देना है, इनके रिप्लाईज आपको देना है, और सेंटेंस जिन लोगों ने पहली बार किया है उस सेंटेंसेस जो चैनल पहली बार है उस सेंटेंस को चैनल को लाइक जरूर कर दें और सेंटेंस बना के जरूर भेजें। जैसे इसमें कहने की क्या बात है, दूसरा सेंटेंस है इसमें दिल टूटने की क्या बात है, इन दोनों सेंटेंसेस का आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। ओके।